हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है आरपीएम मीटर को इंस्टॉल किया था अपनी बाइक में, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, छोटा सा आरपीएम मीटर है। तो आज की वीडियो में हम इसी आरपीएम मीटर को जो है इसके राइट साइड में फिट करेंगे और एक डिजिटल मीटर जो हमने पहले लगाया था बाइक में उसको जो है स्पीडोमीटर की जगह जो है हम फिक्स करेंगे, और फ्यूल मीटर का भी आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर उसको जो है हम सेट करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, एक्चुअली मैंने आपको मीटर को खोल के काफ़ी बार बताया, तो इसको मैं खोल के नहीं बताऊंगा। जस्ट आपको ये वाइजर को निकालना है, उसके बाद इसके जो तीन जो है नट लगे रहेंगे इस मीटर में उसको आपको निकालना है। उसके बाद इसकी जो मीटर की केबल है उसको आपको ऐसे घुमा के खोल लेना है। उसके बाद इसकी जो वायरिंग है उसको आपको निकाल के ये मीटर आराम से जो है बाहर आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक माइक्रोफाइबर टॉवल रख दिया है और इसके ऊपर मैं अभी मीटर को रखूंगा ताकि इसमें जो है स्क्रैचेस ना आ पाए। और अभी हमें जो है स्क्रू खोलने हैं, यहाँ पर दो ये स्क्रू लगे हैं और जो दो है यहाँ पर स्क्रू है, इनको खोलना पड़ेगा। इसके जैसे हम खोलेंगे तो इसका जो बैक वाला कवर है वो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये वाला जो आरपीएम मीटर है हम इसको लगाएंगे, और साथ ही में ये वाला जो स्पीडोमीटर है ये मैंने पहले भी लगा के रखा था, ये डिजिटल स्पीडोमीटर है, इसको मैंने पहले भी जो है लेफ्ट साइड में फिट किया था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, अगर आपको ये वीडियो देखनी है ये वाला जो स्पीडोमीटर मैंने कैसे फिट किया था तो आप ऊपर आई बटन में जाके जो है आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो अभी गाइस हम सीधे जो है इनको लगाते हैं। अभी मीटर को मैंने हाफ को अभी खोल लिया, अभी दूसरे को अभी आगे जो इसका पार्ट है उसको भी खोलते हैं। तो क्या यहाँ पर एक स्क्रू है, अगर आप इसको खोलते हो तो इसका जो आगे वाला कवर है वो भी निकल जाता है, तो इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो इस मीटर के ढक्कन को भी मैंने इसे खोल दिया है। अब इसको वापस ऐसे मैं थोड़ा सा लगा के इसको जो है पीछे इसके जो जितने भी इसके में जो है मीटर में स्क्रू लगे हैं उसको खोल लेता हूं। तो यहां पर पहले मैं राइट साइड वाला जो मीटर है उसको निकाल लेता हूं। यहां पर इसके जो है दो स्क्रू रहते हैं, इससे ये माउंट रहता है, तो इसको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। तो क्या इसको मैं जो है अभी संभाल के यहाँ पर रख लेता हूँ इस मीटर को। तो अभी जो है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो फिर से तो आप इसको जो है डस्ट वगैरह से बचा के इसको रखिएगा, ताकि अगर डस्ट इसमें चली जाती तो ये जैम हो जाता है यहाँ से। तो इसको जो है मैं कवर करके एक साइड में रख देता हूँ। अभी गाइस हमें जो राइट साइड वाला जो मीटर है इसका जो यहाँ पर हीरो लिखा है इसको पहले खोलना है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो दो होल है इसमें, दो स्क्रू को अगर आप खोलोगे तो ये इस टाइप से ये बाहर आ जाएगा। तो गाइस अभी जो हमें जो है इसका जो फ्यूल वाला मीटर है इसको खोलने के लिए यहाँ पर तीन स्क्रू है, जिसमें कि वायर जो है यहाँ पर लगी हुई है, एक इसकी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी और एक फ्यूल मीटर का जो सेंसर होता है उसकी होती है वायर। तो इसको मैं तीनों को जो है पहले मैं खोल लेता हूँ स्क्रू को, इस टाइप से खोल के ये वाला जो मीटर है ऐसे बाहर आ जाएगा। तो आप देखते हैं अभी हमें जो है मीटर को बिल्कुल एकदम खोखला कर दिया है। तो क्या जब यहाँ पर जो लेफ्ट वाला मीटर है वो तो इसका जो पहले होल वगैरह बने हुए हैं इसको मैंने पहले फिट किया था, तो ये तो जस्ट ऐसे फिट हो जाएगा। अभी मैं आपको राइट साइड वाला बताता हूँ। तो क्या राइट साइड में आप ये चीज़ें जो देख रहे हैं ये सभी आपको काटना पड़ेगा, और एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आप इसको करते हो तो आपकी न्यूटन लाइट और जो इसका जो आपका हाई बीम की जो लाइट होती है वो आपकी जो है किसी काम की नहीं रहेगी, तो वो आपको काटना ही पड़ेगा। ये पूरा ऐसे आपको जो है खाली करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें मीटर को फिट कर पाएंगे। तो अगर आप अपना स्टॉक वाला मीटर को नहीं छेड़ना चाहते तो ये आप मॉडिफिकेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मैं अभी जो है इस मीटर में फाइनल यही मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इसको काट रहा हूं। तो मैं सभी को भी जो है इसमें काट के उसके बाद इसके जो होल है उनको मैं बना लूंगा, ताकि मीटर को मैं वैसे ही मैं फिट कर पाऊं इसमें। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है होल कर दिए, तो आपको लग रहा होगा कि होल में मैंने काफ़ी जो है बड़े बड़े किए हैं। तो गाइस उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप ये देख रहे हो ये वाली जो चीज़ें ये सभी जो है इसमें जाके उसके आगे हम जो है एक वाशर रख के इसमें जो है टाइट करेंगे, इसलिए मैंने ये होल को बड़ा बड़ा किया है, ताकि ये वाली चीज़ें जो है पूरा जो है उसमें चली जाए, ताकि ऊपर जो इसका जो हाइट है वो कम हो सके। तो गाइस अभी मैं इस मीटर को खोलता हूँ, तो मीटर को खोलने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से जो है इसका जो फ्रंट वाला जो कवर है उसको ऐसे करके खोल लेना है। उसके बाद ये जो फ्रंट वाला जो इसका कवर है जो ऐसे निकल जाएगा और इस टाइप से जो आपके जो हाथ में आ जाएगा। तो गाइस अभी हम इसको जो है फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसका पुराना वाला जो डिजिटल मीटर जो हमने पहले लगाया था उसको लेफ्ट साइड में फिट कर लेते हैं। तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई थी, इसको मैं जल्दी से पहले फिट कर लेता हूँ। तो क्योंकि मैं ये जो है इसमें जो दूसरे में मीटर में जो है गेज है मतलब उसमें सुई है, तो उसको जो मैं बाद में फिट करूँगा ताकि उसको डैमेज ना हो पाए। तो क्या डिजिटल मीटर मैंने एक लगा दिया, अभी जो इसकी दूसरा आरपीएम मीटर है इसको लगाते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी वायरिंग को पास कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस टाइप से लग जाएगा। उसके बाद मैं जो है इसका जो पीछे जो है कुछ इस टाइप से ऐसे जो है एक वॉशर जो बड़ी वाली वॉशर है ऐसे रख के उसके ऊपर जो है ऐसे नट वगैरह टाइट कर दूंगा, और इसके अलाइनमेंट मैं देख लूँगा कि कहाँ पर ये सेंटर में है। तो इस टाइप से ये फिट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो फ्रंट वाला जो कवर है उसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद से हमें जो है इसकी वायरिंग करनी है।
तो गाइस मीटर के जो साइडों में जो गैप रह जाता है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने ये फोम का पीस लिया है। तो इसको जस्ट ऐसे मैंने काट लिया बराबर के और दोनों साइड जहाँ पर मैं इसको लगा के और उसके बाद इसको जो मैं कलर कर दूंगा ब्लैक वाला, तो इसका जो मीटर है उसको जस्ट ऐसे मैं ढक के ऊपर इसके जो है स्प्रे कर देता हूँ मैट ब्लैक। तो गाइस अभी जो मैंने स्प्रे की थी वो सूख गई है। अभी इसका जो मीटर का केस है इसको मैं वापस ऐसे लगा देता हूँ, उसके बाद इसका जो स्क्रू है उसको टाइट कर देता हूँ। अभी गाइस हमें इसका जो वायरिंग का कनेक्शन करना है तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस आरपीएम मीटर की जो वायरिंग मैंने आपको पहले बता रखी है, ये वाली जो आरपीएम सिग्नल की वायर है उसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का ही यहाँ पर आपको जो है सप्लाई देनी है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना। सेम जो है यही नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई जो है आपको जो लेफ्ट वाला मीटर जो स्पीडोमीटर है उसमें भी देनी है। इसके दोनों के ऊपर जो है इनकी वायरिंग के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता। तो ये वाली जो रेड ब्लैक वायर है ये आरपीएम मीटर की है, लेफ्ट में भी आरपीएम मीटर है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, आरपीएम मीटर हम राइट वाला यूज़ करेंगे। और जो इसका जो फ्यूल मीटर है वो हम लेफ्ट वाले में यूज करेंगे, लेफ्ट वाला जो स्पीडोमीटर है उसमें ही फ्यूल मीटर का जो है हम वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्रीन और ब्लैक है ये ग्रीन जो है वायर है वो आपका नेगेटिव की है और जो ब्लैक वाली वायर है यहाँ पर वो पॉजिटिव की है। तो ये आपको इस टाइप से कनेक्शन करना है और साथ ही में ये जो ब्लू कलर की वायर बीच में व्हाइट की पट्टी है ये आपका फ्यूल मीटर का जो सेंसर है उसकी वायर है। तो गाइस अभी मैं जो है आपको मेन जो इसकी वायरिंग है उसमें बता देता हूँ नेगेटिव की कौन सी है, पॉजिटिव की कौन सी है और फ्यूल मीटर का जो सेंसर है उसकी कौन सी है। सेम मतलब इतनी ही वायर इसमें मेन है और या फिर एक आरपीएम मीटर वाली वायर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ग्रीन और ब्लैक कलर की वायर है ये ग्रीन कलर की जो वायर है ये नेगेटिव की है और ब्लैक कलर की वायर जो है पॉजिटिव की है। तो सेम आपको अटैच करनी है लेफ्ट और राइट वाले दोनों मीटर में ये सप्लाई देनी है। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपको वायर दिखाई दे रही है ये वाली जो वायर है ये येलो और बीच में वाइट की पट्टी ये फ्यूल मीटर का जो सेंसर होता है उसकी वायर होती है। तो ये वाली वायर जो है हम यहाँ पर इसमें इसके साथ अटैच करेंगे ये ब्लू और बीच में जो है वाइट की पट्टी। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो इसकी जो आरपीएम मीटर की जो ये वाली वायर है इसका जो हम कनेक्शन है ये न्यूटन लाइट वाली जो ये वाली वायर होती है, क्योंकि न्यूटन लाइट का जो इंडिकेटर है वो हम यूज़ नहीं करेंगे तो इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा ताकि कोई भी जो वायर है वो अलग से हमें जो है बाहर ना करनी पड़े। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा। उसके बाद जो बाइक वाला जो साइड है उसमें भी इसका जो कनेक्शन है वो मैं अल्टर कर दूंगा। तो गाइस आप देखते हैं यहाँ पर मैं अभी वायरिंग कर रहा हूँ और जितनी भी वायरिंग को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद उसको जो है इंसुलेट करने के लिए उसके ऊपर जो है मैं कुछ इस टाइप के स्लीव का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो है मीटर को वापस से बाइक में लगाएंगे और बाइक में जो अपना आरपीएम मीटर का जो कनेक्शन हमें अल्टर करना था क्योंकि न्यूटन लाइट वाली जो वायर है और उसके साथ हमने जो है आरपीएम सिग्नल की वायर को जो है अटैच किया था तो इसलिए उसका जो कनेक्शन है वो भी हम जो है अल्टर करेंगे बाइक में जाके। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस अभी टोटल ये मीटर कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका जो पीछे वाला केस है इसको लगा के इसके जो चारों स्क्रू मैंने खोले थे उसको मैं वापस से बंद कर देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने स्क्रू को बंद कर दिया, उसके बाद अभी जो है हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं बैटरी की मदद से कि जो मीटर है हमारा उसमें जो है सप्लाई टोटल आ रही है नहीं, क्योंकि इसको बाद में ऐसे खोलना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप देखते हैं यहाँ पर दोनों मीटर अपना काम कर रहे हैं, तो अभी डायरेक्ट इसको बाइक में फिट करना रहेगा और बाइक में जो एक कनेक्शन को अल्टर करना था उसको मैं पहले कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पर जो फ्यूल मीटर है वो मैंने लेफ्ट में यूज़ किया है और आप देख सकते हैं यहां पर जो फ्यूल का सिग्नल है यहां पर वो भी अच्छे से काम कर रहा है, तो इसको सीधे भी फिट करते हैं अपनी बाइक में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूटन लाइट वाली जो वायर है इसको मैं जस्ट ऐसे निकाल देता हूँ एक छोटे वाले अलाइनर की मदद से। उसके बाद ये जो वायर है यहाँ पर इसमें जो है थिम्बल मैंने अटैच कर रखी है, इसको जस्ट ऐसे आपको जो है ऐसे लगा देना है, ये लॉक हो जाएगी अंदर में जाके। तो अभी जो इसकी जो यहाँ पर ये वाली वायर है जो पीछे हमें जो आरपीएम सिग्नल वाली जो वायर है उससे मैं अटैच कर दूंगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आरपीएम सिग्नल वाली वायर को मैंने कहाँ से लिया है, तो जस्ट इसको ऐसे लगा के इसको अच्छे से टेप कर दूंगा। अभी डायरेक्ट हम जो है इसको मीटर को जो है फिट करते हैं। तो गाइस फिट करना भी काफ़ी सिंपल है, आप हमने जो जो इसकी वायरिंग है उसमें कुछ भी अल्टर नहीं किया, तो आपको जस्ट प्लग एंड प्ले वाला ये काम है, जैसे इसकी पहले वाली वायर थी वैसे आपको लगानी है और मीटर आपका काम करेगा। तो चलिए गाइस अभी एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। तो आप देखते हैं मीटर दोनों भी काम कर रहे हैं, अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि आरपीएम मीटर जो काम कर रहा है नहीं। तो गाइस आप देखते हैं आरपीएम मीटर भी अभी अपना काम कर रहा है। गाइस पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे आप लोग कि इसका जो आरपीएम मीटर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप अभी देख सकते हो ये 1500 आरपीएम तक ये अभी ये पहुँच रहा है, तो इतना सही है ये। तो चलिए गाइस अभी मैं बाइक को बंद कर देता हूँ और इसका जो वाइजर वगैरह है उसको अच्छे से पैक करके उसके बाद मैं आपको जो है एक बार और दिखाता हूँ इसको।
क्योंकि जो भी बाकी चीज़ें तो अच्छे से काम कर रही है। अभी इसका जो स्पीड मीटर है उसको भी चेक करके देख लेते हैं। मैं इसके जो व्हील को ऐसे रोटेट करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर ये मीटर जो है रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब सारा हमारा काम जो है वो अच्छे से हो गया है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये परचेज करना रहेगा मीटर में से कोई भी, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।